मैडम एंट्री कर दीजिए। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैडम आप जो कोई भी हो एक बार एंट्री कर दीजिए। अबे ओ दो कौड़ी के गार्ड, तुझसे पूछ कर अंदर जाऊंगी क्या? चल हट यहाँ से। मैडम एक मिनट रुकिए। तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? रुक अभी संजय से बोल कर ना तुझे इस नौकरी से निकलवाती हूँ। रुक संजय। संजय सर तो अभी मीटिंग में, आप हमें बताइए आपको क्या काम है। कॉल हिम राइट नाउ। मैम सर अभी नहीं आ सकते क्योंकि सर अभी मीटिंग में है। देखो मैंने कहा संजय को बुलाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैम काम डाउन, सर अभी थोड़ी देर में फ्री होके आ जाएंगे। मैम मुझे माफ कर दीजिए, इस बात को और आगे मत बढ़ाइए, मैंने जो भी किया मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो वो भी तुझे, जब तक मैं तुझे इस नौकरी से निकालूं ना तब तक मुझे चैन नहीं। और तूने जो बदतमीजी आज की है ना वो माफी के लायक नहीं है। Just wait and watch. Excuse me, ma'am. आप मेरी बात तो सुनिए। You just shut up. क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ठीक है? अच्छा वो तुम आ गए। कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब कि ये तुम्हारा ये दो कॉल का वॉचमैन आज मुझे आने से रोक रहा था। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है। ये मुझे कैसे रोक सकता है? साहब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। नौकरी से ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम भी पिंकी नहीं। पिंकी माफी मांगो इनसे। हिम्मत कैसे नहीं? मुझे कहा इस दो बार के वॉचमैन से माफी मांगने के लिए। पिंकी तुम अपना लिमिट क्रॉस करियो समझे तुम? सर ये सब मत कीजिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाउ डेयर यू, तुम हमारे बीच में बोल रहे हो? चुप रहो समझा? बस बहुत हो गया पिंकी। रजत इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं सर आप ये सब मत कीजिए। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इस दो कौड़ी के वॉचमैन से माफी मांग रहे हो? ये तुम्हारे लिए दो कौड़ी का हो सकता है पर ये मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर है। तुम्हें पता भी है इसके पिताजी ने मेरे पिताजी का कितना सेवा किया था, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। ये कंपनी जब मेरे पापा ने बनाया था ना तो इसके पापा मेरे पापा के साथ थे। ये तुम्हारे लिए दो कौड़ी का हो सकता है पर ये मेरे लिए मेरा छोटा भाई जैसा है। तो अगर इतना ही प्यार है इससे तो इसे बाहर क्यों बिठा के रखा है? अपने ऑफिस में जॉब क्यों नहीं देते? ऐसी बात नहीं है मैम साहब, साहब ने मुझे बहुत बार नौकरी के लिए कहा है पर मुझे अंग्रेजी नहीं आती ना इसलिए मैं ही बार बार मना कर देता हूँ। देखो संजय तुम इसे अभी के अभी बाहर निकालो वरना हमारे बीच में जो भी है जो भी रिश्ता है मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगी। मैं ये सगाई तोड़ दूंगी और जो भी डील्स हमारे बीच में हुई थी ना वो भी कैंसिल कर दूंगी। तुम क्या सगाई कैंसिल करोगे? मैं खुद तुमसे सारा रिश्ते तोड़ता हूँ। वसीम इसके कंपनी के साथ जितने भी डील्स हुए थे अभी क्या सब कैंसिल करो। इस दो कौड़ी के वॉचमैन के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो? बात इतनी सी नहीं है, बात इतनी है कि तुम जब एक गार्ड का रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो तो तुम मेरी और मेरी फैमिली की क्या रिस्पेक्ट करोगे? पिंकी तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ। जाओ सॉरी उसके वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी वजह से आपका रिश्ता टूट गया। अरे नहीं नहीं तुम्हारी वजह से ये रिश्ता नहीं टूटा बल्कि मुझे उसका असली चेहरा दिख गया। अच्छा हुआ मैंने उसे शादी नहीं की, अगर मैं उसे शादी कर लेता तो पूरी जिंदगी मुझे उसे झेलना पड़ता। जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम जाके अपना काम करो।